चौधरी लेक्चर से आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सोइल मैगनेट। सोइल मैगनेट से टॉपिक पढ़ेंगे और रहेगा मेरे पास थ्री फेज डायग्राम।
अब प्रॉपर्टीज की बात आती है, सबसे पहले आता है वाटर कंटेंट। इसको डेफिनेशन दिखाते हैं। तो जो वाटर कंटेंट का डेफिनेशन होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन होता है कितना वेट ऑफ वाटर कितना वेट ऑफ सॉलिड। तो अपन जब मूव में डायग्राम देखा तो देखा था कि वेट ऑफ वाटर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, जीरो से केवल 1% था, ठीक है। तो इसका वेट जीरो भी हो सकता है। फिर अपन ने देखा कि जो टू फेज डायग्राम एक फेज देता था, अब वॉल्यूम ऑफ एयर का मान क्या था, जीरो, उसमें क्या परसेंट क्या था, वाटर, ठीक है। तो वाटर का मान कुछ भी हो सकता है, उसके वोल्ट्स के आधार पर उसका वेट कितना भी हो सकता है। तो जो डब्ल्यू का जो वैल्यू रहता है वो फिर भी देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, नेगेटिव नहीं जा सकता क्योंकि वेट का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो डब्ल्यू का जो लिमिट रहेगा वो रहेगा जीरो या जीरो से ज़्यादा, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। आपने वाटर कंटेंट पढ़ा, अब अपन बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कर देंगे। थैंक यू।